वडोदरा शहर आम आदमी पार्टी द्वारा मध्य जोन पद के विविध पद पर होदेदारों की नियुक्ति की गई। वडोदरा शहर आम आदमी पार्टी द्वारा अब गुजरात में अपना प्रसार प्रचारण करते हुए धीमे धीमे अपना संगठन को और भी मजबूत बनाते हुए विविध होद्दा पर होदेदारों की नियुक्ति की जा रही है। वडोदरा शहर आम आदमी पार्टी द्वारा आज एक पत्रकार परिषद का आयोजन करते हुए मध्य जोन के विविध पद पर होदेदारों की नियुक्ति की गई। वडोदरा शहर के संगठन को मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से भाईली गांव के पूर्व सरपंच वैसे दर्पण पटेल को वडोदरा महामंत्री तथा मुनाफ पटेल को मंत्री सहित जितेंद्र परमार को वकील सेल प्रमुख के लिए नियुक्त करते हुए अन्य होद्दा के लिए होद्देदारों की नियुक्ति करने के साथ आज पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। आम आदमी पार्टी गुजरात द्वारा संगठन विस्तार ने मजबूत करवा माटे वडोदरा शहर नी अंदर विविध लोको जे छे ए लोकोने पार्टी तरफ थी एक नियुक्ति करवामां आवी छे। एमां दर्पण भाई पटेल जेओ माजी सरपंच हता भाईली गामना एमने वडोदरा शहरनी अंदर मंत्री तरीकेनी जवाबदारी आपवामां आवी छे। साथे साथे मुनाफभाई पठाण के जेओ बिजनेसमेन छे एमने पण वडोदरा शहरना मंत्री तरीकेनी जवाबदारी आपवामां आवी छे। साथे जितेंद्रभाई परमार के जेओ एडवोकेट छे एने वडोदरा शहरनी अंदर लीगल सेलना प्रमुख तरीकेनी एमनी नियुक्ति करवामां आवी छे। साथे साथे श्री तुषारभाई पटेल के जेओ बिजनेसमेन छे એમને વડોદરા શહેરના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લિસ્ટ જે છે અમારો ઉદ્યોગ જે ક્ષેત્ર છે એના એના પ્રમુખ તરીકે એમની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે। સાથે સાથે સાયમનભાઈ ડેવિડ કે જેઓ પણ બિઝનેસમેન છે તેમને પ્રોગ્રામ કોઓર્ડિનેટરની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે। શ્રી સોમેશભાઈ વસાણી જેઓ વેપારી સેલ છે અને વેપારી સેલના પ્રમુખ તરીકે એમની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે। સાથે જ શ્રીમતી પલ્લવીબેન પરમાર એને વડોદરા શહેરના એસસી સેલના પ્રમુખ તરીકેની વિશેષ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે। આ રીતે વડોદરા શહેરના તમામ વિસ્તારોની અંદર તમામ સેલની આજે નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે। સાથે અર્જુનભાઈ જ્યારે ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને એમના નેજા હેઠળ આ વિસ્તાર સંગઠન મજબૂત થાય